हाय दोस्तों, मेरी वजह से बहुत सारे व्लॉगिंग चैनल चल रहे, तो मैं सोचा मेरा अपना व्लॉगिंग चैनल भी मैं चला लूं, तो ये व्लॉग नया। मेरी दवाई नहीं, बड़ी भूख लेकिन मुझे घाई नहीं, बदन पे कुर्ता गले में ढाई नहीं, कलम दुल्हन पर मैंने सजाई नहीं। तो दोस्तों थंबनेल में आपको पता चली गया कि ये व्लॉग किस बारे में, तो मैं बताता हूँ। अभी हमारा एयरपोर्ट जाने से पहले का नाश्ता चल रहा है, क्रेजी फुल तले हुए पापड़, रोटी, कीमा, अंडा, नमक, काली मिर्च, चाय। पता नहीं ना चाय का क्वांटिटी कितना पीता अभी। मजा नहीं लाइफ। सदा का 10 मिनट में निकल रहा है। सो दोस्तों, बहुत ही खतरनाक नाश्ता माशाल्लाह करने के बाद मैं भी एयरपोर्ट पहुंचूंगा, और मैं अपनी को स्टार से पहली बार मिल रहा हूँ, वेरी टैलेंटेड हिना खान। आई एम वेरी एक्साइटेड, और हिना खान को भी मैं इस ब्लॉग में लेके आऊँगा, क्योंकि एट दी एंड सारे टीवी वाले ब्लॉग ही करते। रॉकी रैम्बो धंधो। दोस्तों तो हम निकल गए। सदागत कुछ कहना चाहता है ब्लॉग की ऑडियंस को? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहता। गजब बेइज्जती है। नितिन तू कुछ कहना चाहता है ब्लॉग की ऑडियंस को? हाँ बस। बाय बाय। हाँ हाँ, कभी मैसेज नहीं डालता जिंदगी में, बोलते रहिए पहुंचेगा तो मैसेज डालना, ये डालना, कभी मैसेज नहीं डाला। मैं पहुंच गया, वो 2 दिन बाद में आता आता मैसेज। हाँ सो दोस्तों, हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। हमको एक बहुत ही महान इंसान का कॉल आया कि भाई लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तभी वो महान इंसान से मैं मिलाता हूँ तुम्हारे को एयरपोर्ट पे तुरंत ही। और अभी हम जा रहे हैं कार में। उबर बुक करी ना हमने, कैब बुक करी है, नाम उबर नहीं लेते, ठीक है? वो नाम जो ब्रांड का है, बिना पैसे के नहीं लेने का। बहुत तेज हो रहे हो हैं। और जो नाम आपके नाम पे उड़ रहे हैं। अरे यार देख, ये सब मत करो तुम यार, राइडर आ गया। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं, और हम एयरपोर्ट जाने के लिए हमारी गाड़ी आ चुकी है, क्रेजी गाड़ी। दोस्तों व्लॉग में गाड़ी हो तो थोड़ा चलता है व्लॉग, पता है? ओ गाजी है। तो और हम यहाँ से निकल चुके हैं, कार की तरफ बढ़ रहे हो दोस्तों, और मैं कार दिखाता हूँ आपको, क्रेजी कार, ठीक है? व्लॉग समझ लो, व्लॉगर बन गए तो कार थी ना महंगी वाली, ऐसी तो मैंने भी महंगी वाली एकदम भाड़े की गाड़ी मंगाई है दोस्तों, भाड़े वाली एकदम। माशाल्लाह। तो दोस्तों व्लॉग में गाड़ी महंगी नहीं होनी चाहिए, व्लॉग में छावा महंगा होना चाहिए। कह रहा था ना राइडर मेरा फैन है, ये है। थैंक यू सो मच। मुबारक भाई, ट्रॉफी डोंगरी आ गई। थैंक यू सो मच मेरा भाई। थैंक यू सो मच राइडर। राइडर राइडर तो आप, नागपाड़ा के राइडर आपसे। नागपाड़ा के राइडर मशहूर हिंदुस्तान में, अकेला ला। चलो चलो भाई भाई संभाल के चला भाई, नहीं तो डिलीवरी लेट हो जाएगी। कैसे हो सर आप? क्या नाम है आपका? नेताजी सर। नितिन नेताजी। नेताजी कहाँ के, कहाँ के नेताजी हो भाई? महाराष्ट्र के नेताजी, क्या बात है, नाम में ही नेताजी है भाई। तुम्हारे बच्चे को धमकी वमकी देता होगा तो बोलता होगा ना मेरा बाप नेता है? नहीं वो नेता नहीं सर, नाम के। सिर्फ नाम के नेता हो, बाकियों की मरना तेरे को डर नहीं लगता? नॉर्मल आदमी। यस यस, नेता लोग भी नॉर्मल ही रहते भाई। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। इनको पता चला मैं टैक्सी में आ रहा हूँ, तो इन्होंने गाड़ी मर्सिडीज इधर रख दी है कि भाई टैक्सी से मत आओ, हमारी गाड़ी में एयरपोर्ट चलो। तो बोला यार इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? बोले नहीं भाई फ़र्क पड़ता है बहुत, बादल लगे ये वो ये वो। अब देखो भाड़े की ये भी है और किसी और की वो भी है, तो व्लॉग में दूसरों की गाड़ियों पर मज़े करो बस। खरीदेंगे अपन भी, नितिन खरीदेंगे ना अर्टिगा न्यू। लाड़ी भाई, भाई कैसे हो भाई? मुझे तो ये हमारे हैं राघव शर्मा। हमको एक बहुत ही महान इंसान का कॉल आया कि भाई लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये व्लॉग में ऐसे आते हैं नहीं, वो थोड़ा डिफरेंट लेवल है पूरा, बट यार भाई क्यों बड़ी कर रहे हो यार, मोहब्बत में आ जाते ये। बाकी खाली कपड़े तो देखो क्या स्टाइल वाले पहन, कितने बजे गए? अच्छा लग रहा है ना। सुबह कितने बजे निकले? कहाँ के लिए? वहाँ से 6:30 बजे, नहीं 6 बजे घर से निकला मैं, तुम्हारे घर से 6 बजे निकला। हम लोग शूट किए भाई सुबह 9 बजे। सोए नहीं हो? नहीं सुबह 9 बजे तक शूट किया, 10 बजे सोया हूँ और 2 बजे उठ गया हूँ, 4 घंटा सोया हूँ। अरे वाह भाई, क्या काम करते रहने का भाई, अगर पार्टी के ढड्ढे रखो
गुजराती लोग समझ जाएंगे ठड्डो। सलागत कैसा लग रहा है इतने दिन के बाद, इतने महीनों के बाद हम लोग जैसे पहले फ्लाइट में ट्रैवल करते थे वैसा वापस ट्रैवल करें, कैसा लग रहा है? सदाकत नहीं बताना चाहता कैसा लग रहा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया दोस्तों। तो अभी फ्लाइट डिले हो गया हमें पता चला। फ्लाइट कितना फ्लाइट डिले हुआ सदाकत? छोड़ जान दे। राघव भाई फ्लाइट कितना डिले हुआ? 40 मिनट। 40 मिनट फ्लाइट डिले हो गया, तो अभी हम लोग यहाँ पे 40 मिनट और एक्स्ट्रा बकचोदी करने वाले, मजा आएगा एयरपोर्ट में। हेलो मैडम। मैं ठीक हूँ भाई, कैसे हो? बढ़िया, चलो मिलते। थैंक यू भाई, मेरे को भी आया। हाँ तो दोस्तों एयरपोर्ट पे देखो सदाकत को मैं दिया 25 रुपया, तो उसने बोला ठीक है भाई, ज्यादा मांग रहा था लेकिन फिर उधर तक। तो ऐसी नवा भी भोगी जा रही है फुल। ऐसे लोगों की डबल चेकिंग इसलिए होती है देखो, ऐसी हरकतों की वजह से लाइन में लंबी खड़े रखते ना हमको, ये सब हरकतों की वजह से। सॉरी सर, सॉरी, गोली मार दे। दोस्तों अभी एयरपोर्ट पे जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, मैंने देखा सबके हाथ हवा में थे, तो मैं बोले सबके हाथ हवा में क्यों है, फिर पता चला डीजे चेतस यहाँ पे फ्लाइट ले। मार्केट हिलाने वाला आदमी है, अभी हिलाने का ही काम है अपना मार्केट। हाँ सो दोस्तों फाइनली हम एयरपोर्ट लॉन्च में बैठ चुके हैं, और एक घंटे का जैसे मैंने आप लोगों को बताया फ्लाइट डिले हो चुका है, और हमारे साथ है खूबसूरत हिना खान। और हिना खान हमारी टीवी ऑडियंस तो नहीं है, ये यूट्यूब की ओटीटी ऑडियंस है, तो और ये भी लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो प्लीज़ इनको कुछ बताइए। आपसे कम, मुनव्वर से तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, स्पेशली अब तो ये टीवी की ऑडियंस भी इनसे बहुत बहुत रूबरू हुई है और बहुत प्यार करती है। तो मेरी वो जो नई टीवी की ऑडियंस है उनके लिए हिना खान फॉर यू। थैंक यू। हिना खान आप कितने एक्साइटेड हो अबाउट हम जो शूट करने वाले हैं? अच्छा, बात करनी है। ओके, ये तो गाना रिलीज होने के बाद हो रहा है रिलीज। I'm sorry, मैंने बोला मैं बहुत खराब हूँ। It's okay. लोग बहुत सारे टीवी एक्टर्स के व्लॉग्स देखते हैं तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा ये वाला। मैं बनाती नहीं हूँ एक्चुअली, इसलिए सॉरी। मुझे बहुत बहुत एक्साइटमेंट। हम कोलकाता में शूट करें, वन ऑफ माय फेवरेट सिटी, मैं ये हर सिटी में जाके बोलता हूँ। तो नहीं, कोलकाता मेरी खाने के लिए वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज़ है, मुझे वहाँ के पुचके और ये सब बड़ा पसंद है। हाँ, मैं भी आपको एक चीज़ बताऊँ, फैक्ट, मैंने अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा शोज़ मुंबई में किए और दिल्ली में किए और उसके बाद कोलकाता में किए, है ना। बहुत ज़्यादा शोज़ किए और कोलकाता ऑडियंस इतना प्यारा है, इट्स लाइक वेरी लवली ऑडियंस, वेरी लवली ऑडियंस। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू कोलकाता, और अभी हम लोग कोलकाता में बहुत 3 दिन तक मज़े करने वाले हैं। हम यहाँ पे लॉन्च में बैठे और हमने यहाँ पे किसको देखा? देखो ए यार, बस हुआ ना अभी 100 कितने दिन इसको आदमी को झेल लिया, अभी कौन देख रहे हैं विक्कीडो। अरे यार नहीं मिल रहा है, बट क्या मजबूरी है तो अभी तू ठीक है, चलो मिल ले। अरे सो एक्साइटेड टू सी। हम कोलकाता जा रहे थे और हमको विक्की भाई मिल गए एयरपोर्ट पे, और विक्की भाई यहाँ बोलने देना मुझे। विक्की भाई मेरे को मिल गए और विक्की भाई जा रहे बिलासपुर अपनी दूसरी वाली, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, जॉब पे जो उनका काम है तब अंकिता पे जो कभी खत्म नहीं होते विक्की भाई के। मुन्ना को यही मोहब्बत है, यही मोहब्बत है, हमेशा रहनी चाहिए। अंकिता के लिए एक मैसेज भेज दो, अंकिता के लिए एक मैसेज में ये बोलना चाहता हूं, चुप रहिए। दोस्तों एक घंटा डिले हो गई थी फ्लाइट और हम एक घंटा लेट हो गए गेट पे पहुंचने में। पता नहीं हम कौन सी ख्यालों में थे, बातें चल रही थी और फिर पता नहीं, बट हम लोग पहुंच गए, हमारे लिए रुका है
देखो क्या बात है, अब ये बोलना नहीं चाहिए मालूम बड़ा बोले गेट क्लोज हो गया जाओ। फाइनली फाइनल कॉल पे अंदर फ्लाइट क्या पहुँच रहे, हमारी एक घंटा फ्लाइट डिले थी और हम एक घंटा डिले हो गए यहाँ पहुँचने में, और इट वॉज ऑल वर्थ बिकॉज हिना से बहुत सारी मेरी बातें हुई एंड थैंक यू सो मच, आपकी बातों से मुझे बहुत अच्छा फील हुआ एंड सच में आप बहुत अमेजिंग इंसान। ये मुझे हिना ने बोलने को कहा था, ग्लास ला के रखा तो मैं बोला गिर नहीं जाएगा फ्लाइट चलेगी, तो ये फिक्र अपना अलग फिक्र था गंदा नहीं हो जाए। इसमें एक गीले टॉवल देते क्यों देते पता नहीं, बट क्या खुशबू आते रहती है, मेरे घर पे एक ही टेंशन रहते कि टॉवल गीला क्यों है, यहाँ पे ऐसे गीला टॉवल दे रहे हैं, ठंडा और मजा आ रहा है ना भाई, इतना मजा आ रहा है ना भाई। और ये हिना के बाजू में हिना को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, I do this, I was there, and then I was like, do you want to change the seat? अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन स्थिति में ध्यान से निकलने से पूर्व अपना सारा सामान बाहर ही छोड़ दें। सो दोस्तों ये है खूबसूरत मुंबई जिसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। वाओ, मुंबई को छोड़ के जाने की एक ही खुशी होती है मुझे कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, और कोई रीज़न नहीं है बिकॉज मुझे इतना प्यार है मुंबई से, बहुत कुछ दिया इसने, थैंक यू मुंबई। और हम जा रहे हैं इस तरफ काम की तरफ मुंबई छोड़ के, रिश्ता क्या कहना। तो दोस्तों खाना आ गया, सच बोलूँ तो दिख रहा ही खूबसूरत है, फीलिंग नहीं आ रही मेरे को कि टेस्टी रहेगा, बट लेट्स सी। और ये कुछ तो है कोक है, ये स्वीट डिश मैंने मंगाई नहीं थी फिर भी आई है, सैलेड भी मैंने नहीं मंगाया था, बढ़ाया है अमूल बटर जो सब लोग लगाते रहते मेरे को आजकल तो बहुत ज़्यादा। और रिश्ता क्या, थैंक यू सो मच सर, अच्छा मेरे लिए नहीं है क्या। दोस्तों हमारा आगमन हो चुका है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता, सदागत कोलकाता कितना प्यारा है, कोलकाता बहुत। तो सदागत बोलना चाह रहा है कोलकाता बहुत प्यारा है, बट हम आ चुके हैं, जैसे मैं बैंगलोर मेरा छोटा सा बैग जाते हुए देखो जल्दी अभी घुमा के ला, ऐसा घुमा के ला या हाँ भाई ठीक है, मेरे को लगा ये यूज़ कर रहे थे हम लोग इसलिए तो भड़कने झगड़ा करने आ गया। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच भाई, मैंने भी वोट किया, लिया ना एक फोटो, एक फोटो लिया कौन लेगा, और मैंने भी वोट किया था, हमने वोट किया, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। कोलकाता वाले सही जगह वोट। वी रीच्ड कोलकाता होटल और होटल का बहुत ही प्यारा स्टाफ, इन्होंने पूरा एपिसोड देखा, सब कुछ देखा, पूरा देखा, थैंक यू सो मच, और इतना प्यार से इन्होंने मुझे स्वागत किया, थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट, इट्स ओके इफ आई यूज दिस ऑन माय व्लॉग, यस ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच, कितने प्यारे लोग हो तुम लोग। हाँ तो वो कमरा तो वही है, बिस्तर सोने को है, नींद इतनी आ रही है, थकान इतना हो चुका, लेकिन दोस्तों मेरा ध्यान अभी अभी कई जगह पे गया है, देखो ये क्या है, आए हाय, अरे अरे शाहरुख खान, सिटी ऑफ जॉय,
थैंक यू। क्या बात है यार, कितने प्यारे लोग हैं कोलकाता के लोगों के लिए। एक बार बहुत सारा प्यार, हर सिटी में जाता हूँ, कहीं ना कहीं होटल में लोग इतने ब्यूटीफुल प्यारी प्यारी चीज़ें बना के जाते हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन कोलकाता का मैं सच में बता रहा हूँ, आप जब भी कोलकाता होगा आपको रियलाइज़ होगा क्या कि लोग कितने प्यारे, तो बहुत ही प्यारे। और जो यहाँ पे मुझे स्टाफ छोड़ने आया था, उन्होंने मुझे कहा कि नाइट शिफ्ट भी होती थी, तो हम पहले एपिसोड देखते थे, उठ जाते थे एक घंटे पहले ताकि हम एपिसोड देख सकें। सो इट्स सो गुड, ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा, बढ़िया फीलिंग है। सो और मुझे अभी यहाँ पे किसी ने बोला कि तुम्हारे लिए अभिषेक के लिए हम लोग बिग बॉस देखते थे, तो अभिषेक ब्रो पागल है कोलकाता में भी लोग तेरे लिए, तो लव यू ब्रो। दोस्तों मैं यहाँ पे बाथरूम में छुप गया हूँ, एक रेस्टोरेंट में खाने आया था, किसी को कुछ नहीं बोला, चुपचाप से आए, बात फैल गई और रेस्टोरेंट में अभी ये माहौल हो चुका है, लोग एंटर हो चुके हैं और उनको भगाया जा रहा है, मेरे को बाथरूम में पैक कर दिया, मैं बहुत गंदा मॉब हो गया। प्यार है, मैं चाहूँ मैं सबसे मिलूँ एक एक करके, मेरा पूरा टाइम है, बट पॉसिबल नहीं क्योंकि वो ये कोई लाइन लगा के नहीं आ रहे, 100 लोग एक साथ आ रहे फोटो खींचने, तो अब मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, बट आई रियली वॉन्ट टू मीट देम। और जितने भी लोग व्लॉग देख रहे हो और आपको पता है कि आप आए थे ये अर्सलान होटल में मुझे मिलने, तो आप सबको मैं सॉरी और बहुत सारा प्यार कहना चाहता हूँ इस व्लॉग के जरिए। लव यू कोलकाता। मेरी दवाई नहीं, बड़ी भूख लेकिन मुझे घाई नहीं, बदन पे कुर्ता गले में ढाई नहीं, कलम दुल्हन पर मैं न सजाई नहीं, हाँ।